गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर शैलजा मैम। कल हम देख रहे थे एक हीरे की आत्मकथा, पाठ तो पूर्ण हुआ है। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। हीरे की का आत्मकथा एक बार याद करती हूँ, एक बार सुनिए, बाद में प्रश्नोत्तर लिखिए। हीरे का जन्म कहाँ हुआ? पन्ना गांव में हुआ। वो इलाके कानों के लिए प्रसिद्ध था, उस गांव में हुआ, मध्य प्रदेश के पन्ना गांव में हुआ। बाद में कौले एक व्यापारी ने उसको ले लिया, उसको पॉलिश करके घर में रखा था, बाद में एक चोर ने चुरा लिया। गॉट इट नाउ? यस। सी नेक्स्ट। चोर लेकर गया, वो अपने जिंदगी छिपाने के लिए, जिंदगी प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ रखा? वो गंगा जी के किनारे पर एक गड्ढे पर रखा। बाद में क्या हुआ? वहीं रखकर हो गया। एक दिन बहुत नदी के पानी आई, तब वो बीड से मींस फ्लड से हीरे बहते बहते बहुत दूर तक गई। कहाँ तक गई? बहुत दूर तक गई। जाने के बाद जब वो पानी ठहरता है, वहां किनारे पर पड़ दिया, मिट्टी में पड़ दिया। कुछ लोग वहां आना जाना करते थे, बच्चे खेल कूद करते थे, जानवर भी वहां आना जाना करते थे। तब सभी के पांव से दर्द पड़ पड़ कर क्या हो गया? वो बहुत दुखित हो गई। कौन? हीरा। नेक्स्ट क्या हो गया? वहां से वैसे ही बहुत दिन बीत गए, दिन महीने हाँ साल भी बीत गए। जब एक किसान की नजर उस पर पड़ी, तब किसान ने वो इट इज वेरी ब्यूटीफुल स्टोन वैसे बताकर लिया, लेकर घर में रखा। घर में रखने के बाद कहाँ रखा? अपने हिले के ऊपर। हिले का मतलब क्या होता है? किसान अपने खेती में काम करने के लिए उपयोग करने वाले वस्तु को हिले कहते हैं। हम वो हीले पर रखा। बाद में एक दिन उसको घर जवारी ने आया, जवारी ने देखा, वो देखकर बहुत चकित हो गया। ये पत्थर कहाँ से लाया है? तब किसान ने कहता है गंगा जी के किनारे पर पड़ा था। तब वो जवारी ने कहता है देखो मैं 25 रुपए देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे। किसान को बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था, ये हीरा है, ये बहुमूल्य वस्तु है, ऐसे बिल्कुल पता नहीं था। वो हाँ बोला, 25 रुपए लेकर वो हीरा को उसको दे दिया। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? जवारी ने वो लेकर घर में लेकर गया, एक चांदी के डिब्बे में टुकड़े करके रख दिए। कहाँ से कहाँ तक आई हीरे का आत्मकथा? यही इट इज लाइफ स्टोरी। इट्स लाइफ स्टोरी, इट इज ओनली। सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? वो एक डिब्बे में बैठा। कौन? हीरा ने एक डिब्बे में बैठा। तब हीरा ने कहता है, क्या कहता है? देखो अब तक मैं कुछ ना कुछ कुछ थी, लेकिन अब मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया ना, वो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। वैसे जवारी को हीरे ने कहता है। गॉट इट? इतना ही। बाद में क्या होता है? हाँ, जवारी क्या करता है पता नहीं। सिर्फ वो तो चांदी के डिब्बे में, कौन सा डिब्बे में? चांदी के डिब्बे में डालकर घर में छिपा कर रखा। जब वो घर में अंदर आता है, तब वो डब्बा खोलता था, देखता था। इतना तो हो गया ना? ओके, ये तो क्या है? एक हीरे की आत्मकथा। शायद मैं सोचती हूँ आप ये समझे हैं। फुल स्टोरी यू नो, बिकॉज आई टोल्ड 3 times रिपीटेड। तुम्हें समझ में आया बच्चे? अब हम क्या करेंगे? देखिए पेज नंबर 11 यहाँ दिए हैं मौखिक कार्य रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन यहाँ 5 प्रश्न दिए। कितना दिए? 5 प्रश्न दिए। और 5 प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ लिखी हूँ। प्रश्न यहाँ किताब में है,
मैं यहाँ उत्तर लिखी हूँ, फिर भी एक बार पढ़ती हूँ, देखो ध्यान से सुनो, तुम भी नोटबुक पे ठीक से लिखो। ओके, देखिए, पन्ना गांव किस प्रांत में है? पन्ना गांव मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है पन्ना गांव। ओके, सी नेक्स्ट, जन्म के बाद हीरा किसके हाथ में पड़ा? सोचो कहाँ पड़ा जन्म के बाद, पहले कौन लिया उसको? एक व्यापारी ने। ओके, जन्म के बाद हीरा एक व्यापारी के हाथ में पड़ गया। व्हाट इट? सी नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर ने हीरा कहाँ रखा? व्यापारी तो लिया हो, लेकर पॉलिश करके अपने घर में छिपा कर रखा, बाद में वहां एक चोर आकर वो चुरा लिया, वो चोरी करके वो कहाँ रखा? देखिए, चोर ने हीरा को गंगा जी के किनारे एक गड्ढे में रखा। कहाँ रखा? गंगा जी के किनारे में एक गड्ढे में रखा। व्हाट इट? सी नेक्स्ट, व्यापारी ने हीरा किसान से कितने में रुपयों में खरीदा? कितने रुपए में खरीदा? व्यापारी ने हीरा किसान से, देखिए अंत में कौन लेकर गया? किसान ले लेकर गया, क्योंकि वो गंगा जी के किनारे पर पड़ी थी, तब किसान से जो वर्ण व्यापार ने खरीद लिया वो कितने रुपए के लिए खरीद लिया? देखो, व्यापारी ने हीरा को किसान से 25 रुपयों में खरीदा। 25 रुपए का मतलब 25 रुपीज, 25 रुपए में खरीदा। ओके, पता हुआ ना? सी नेक्स्ट, हीरा कई दिनों तक क्यों पीड़ा में था? पीड़ा का मतलब दर्द, वो दर्द हो रहा था हीरा को, क्यों दर्द हो रहा था? क्योंकि गंगा जी के किनारे, गंगा जी के साथ वो बहुत दूर तक जाकर एक किनारे पर पड़ा था, तब वो मिट्टी में पड़ा था, तब वहां आने जाने वाले खेल कूद करने वाले जानवर भी उस पर पाँव रखते थे, इसलिए बहुत दिन तक हीरा पीड़ा में था। सही है ना? वही हम देखेंगे अभी आंसर, क्योंकि बहुत दिन तक हीरा गंगा जी के किनारे में पड़ी थी, इसलिए वो पीड़ा में था। ओके, सी नेक्स्ट, एक लिखित कार्य, लिखित कार्य है ना, वो मैं अगले क्लास में भेजती हूँ, लिखकर भेजती हूँ। अभी देखो पेज नंबर 12, किसने किससे और कब कहा? Who told and when told? सी, यहाँ क्या है? मौखिक प्रश्न का आंसर लिखी हूँ। तुमने क्या करो, पहले मौखिक प्रश्न लिखो, एक क्वेश्चन एक आंसर, नेक्स्ट यू हैव टू लीव वन लाइन। वैसे ये पांचों प्रश्न लिखो, लिखने के बाद ये छोड़ो, वैसे ही छोड़ो, मैं अगले क्लास में भेजती हूँ ये लिखित कार्य। नेक्स्ट यू हैव टू राइट, किसने किससे और कब कहा? गॉट इट? सी, फर्स्ट वन, अरे यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला? अरे यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला? देखिए, कौन कहा? अरे यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला? जब जवारी ने किसान के घर आता है, तब वो देखता है हल पर वो रखा था, कौन? किसान ने रखा था। तब वो जवारी ने देखता है, देखकर वो पूछता है, ये पत्थर कहाँ से लाया, तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ, देखिए उत्तर क्या होता है, देखिए, किसने किससे और कब कहा? अरे फर्स्ट वन, अरे यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला? किसने कहा? जौहरी ने कहा, जौहरी मीन्स व्यापारी, जौहरी ने कहा। किसे कहा?
किसान से कहा, क्योंकि किसान के घर में जौहर आया था ना, वहां वो हल पर देखता है वो पत्थर, पत्थर नहीं यहाँ हीरा, हीरा को हल पर देखता है, तब वो पूछता है यह पत्थर कहाँ से लाया है, जब कब, कब का मतलब when it is, टाइमिंग क्या है, देखा टाइमिंग का मतलब सिचुएशन क्या था, हालत था क्या था, कौन सा हालत में वो कुछ चाह रहे थे। जौहर ने जब हीरे को देखता है तब, किनके घर में, किसान के घर में जौहर ने हीरे को देखता है तब यह बात पूछता है, क्या, अरे यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला। जौहरी ने कहा, याद रखो जौहरी ने कहा, किसान से कहा, कब का मतलब होता है, जौहर जब हीरे को देखता है किसान के घर में तब कहा, got it, see next। मैंने सम्मान भी पाया और निराधार भी, मैंने सम्मान भी पाया और निराधार भी, मुझे मर्याद भी किए है और निराधार भी किए। वैसे कौन कहते हैं, हीरा कहता है, क्योंकि देखिए पहले बार व्यापारी ने लिया वो घर में छिपा कर रखा था। मैं बार बार बोल रही हूँ क्यों, क्योंकि दो तीन वीडियो में भेजी हूँ, हर एक वीडियो में भी ये बोली हूँ, फिर भी बोल रही हूँ। देखो जब व्यापारी ने घर में रखा था छिपा कर, वो मर्यादा हो गया, बाद में चोर लेकर गड्ढे में रखा वो निराधार हो गया, और नेक्स्ट गंगा जी के साथ जाकर बहुत दूर तक पड़ी किनारे पर वो निराधार हो गया, इसके नेक्स्ट क्या हो गया, और वहाँ मिट्टी में पड़ गया था, बहुत लोग इस पर पाँव रखते थे, वहाँ खेलकूद करते थे, जानवर चलना आना करते थे, ये सभी दर्द खाया, ये निराधार हो गया। और नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, एक किसान ने लेकर गया, लेकर एक हले पर रखा, वो कॉमनली वो रखा, क्योंकि उसको पता नहीं, क्या पता नहीं, ये हीरा है, ये बहुमूल्य वस्तु है, वैसे पता नहीं, सिर्फ हिले पर रखा, इतना तो रखा है करके उसको क्या हो गया, आधार हो गया, मर्यादा आया। बाद में क्या हो गया, किसान ने जौहरी को सिर्फ 25 रुपए के लिए बेचता है ना, वो निराधार होता है, निराधार होता है। नेक्स्ट और व्हाट हैपेंड, वो जौहरी ने जाकर चांदी के डिब्बे में रखता है ना, वो मर्यादा होता है, आदर होता है, चांदी के डब्बे में रखा तो वो आदर है, लेकिन वो कैसे रखता है, टुकड़े टुकड़े करके रखता है, वो निराधार होता है। इसलिए अपने जिंदगी में कितने आदर और निराधार हुआ है, ये वैसे हीरे अपने आत्मकथा बता रहा है। जैसे भी हमारे जिंदगी में बहुत आदर आते हैं, निराधार भी आते हैं। जब हम लिखते हैं पढ़ते हैं तब टीचर लोग या पेरेंट्स शाबाश कहते हैं, गुड कहते हैं, लेकिन कुछ समय में हम नहीं लिखते, हम नहीं पढ़ते, पेरेंट्स भी डांटते हैं, इसके साथ साथ टीचर्स भी डांटते हैं, है ना। वही जिंदगी में आदर भी होता है, निराधार भी होता है, लेकिन इसके साथ चलना हमारा जिंदगी है। ओ हीरा ने हमें वैसे सजेशन दे रहे, अपने आत्मकथा के बारे में हमें सजेशन दे रहे, वैसे जिंदगी में आदर भी मिलता है, निराधार भी मिलता है, लेकिन दोनों के साथ चलना हमारा जिंदगी है, वैसे हीरा ने कहा है। हाँ सी नेक्स्ट, पहला हो गया अरे यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला, ये हो गया। नेक्स्ट, जौहरी जब हीरे को देखता है तब वो कौन कहता है, वैसे जौहरी ने कहता है। नेक्स्ट सेकंड वन, मैंने सम्मान भी पाया और निराधार भी, मैंने सम्मान भी पाया निराधार भी, अभी तक मैं एक्सप्लेन की हूँ, वो कौन कहा, किसने कहा, हीरे ने कहा, हीरे ने कहा, किस जौहरी से कहा, हीरे ने कहा,
जोवर से कहा, कब? जब वो चांदी की डिब्बे में बंद कर दिया तब। कहाँ रख दिया? व्यापारी ने, लास्ट व्यापारी ने चांदी के डिब्बे में रख दिया। इसलिए हिरे ने कहा था, मैंने सम्मान भी पाया हो, निराधार भी पाया हो। बच्चों तुमने क्या करो, पहले पाठ पढ़ो, पाठ पढ़ने के बाद देखो, एक बार एक लाइन पढ़े तो याद आता है मैं स्टूडियो में क्या भेजे हैं, क्योंकि 3-4 वीडियो हो गए सुन 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 कर तुम्हें क्या सिर पर बैठा है सभी, एक एक पार्ट के बारे में सभी स्टोरी सिर में बैठा है, इसलिए फिर भी एक बार पढ़ाई करो, क्योंकि वहाँ वर्ड्स लिखने के लिए पढ़ने के लिए आना चाहिए ना, शब्द लिखने के लिए शब्दों के बारे में मालूम होना चाहिए ना, इसलिए एक बार पाठ पढ़ो। बाद में मौखिक का कारण ओरल क्वेश्चन आंसर है ना, और लिखो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, क्वेश्चन देखो इसके साथ आंसर लिखो, और नेक्स्ट किसने कहा किससे कहा लिखो, और नेक्स्ट क्लास में मैं लिखित कारण है ना वो क्वेश्चन आंसर भेजती हूँ। पढ़ाई करते हैं ना तुम लोग, ओके बाय।